हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद काजू। सो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम आप सबके सामने करने जा रही हूँ अपना मेकअप, जो कि मुझे एकदम नहीं आता है। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता, फिर भी मैंने ये रिस्क लिया आप सबके सामने। और अच्छा ना लगे फिर भी प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, और ख़राब लगे फिर भी लाइक कर देना, मतलब वही, या फिर अच्छा लगे तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वैसे किया नहीं है। आप सबके सामने करने जा रही हूँ, एटलीस्ट मैं हिम्मत बहुत, मतलब क्या बोलूँ, बहुत मुश्किल से जुटा के आप सबके सामने आई हूँ मेकअप करने के लिए। तो चलिए आप देखो मेरा मेकअप और मजाक उड़ाओ, जो करना है करो। सो ये देखिए, ये रहे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। सो मैंने सबको देख के, वीडियोज़ में देख देख के मेकअप प्रोडक्ट इतना सारा मंगा लिया, बट मुझे एक्चुअल में आता नहीं है मेकअप कैसे किया जाता है। बस एक दो वीडियोस मैंने देखे कैसे किए जाते हैं, तो उसी के बेस पे मैं ट्राई करूँगी और आप देखना कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ। ओके, सो प्लीज़ कहीं मत जाना, बने रहना मेरे वीडियो पे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। सो इसमें से मैक्सिमम मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने मतलब ऑनलाइन मंगाए हैं मीशो से। सो मीशो पर मुझे बहुत कम दाम में मिला, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे क्यों खर्चा करूँ, ज़्यादा महंगा मंगाऊंगी और अच्छे से नहीं आएगा तो फिर तो मेरा सारा प्रोडक्ट वैसे ही वेस्ट जाएगा। इसलिए मैंने सबसे सस्ता वाला मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाया और सोचा कि पहले सीख लूँ, उसके बाद मैं अच्छा वाला मंगाऊंगी। तो ये देखिए, चलिए अब करते हैं मेकअप। ओके, सो पहले ये देखिए, तो आई थिंक पहले क्या लगाया जाता है, मैंने सुना था मॉइस्चराइज़र, प्राइमर। सो पहले फेस को क्लीन किया जाता है, तो मैंने फेस क्लीन कर लिया। सो अब लगाते हैं इसमें से आई थिंक प्राइमर, राइट? पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके करेक्ट करते रहना। सो कहाँ है प्राइमर, में प्राइमर कहाँ खोजूँ, ये रहा। सो ये देखिए, ये है प्राइमर, जो कि ये भी मुझे मतलब एक नहीं, कॉम्बो पैक था, उसमें से मैंने मंगाया था, उसमें मेकअप का बहुत सारा प्रोडक्ट्स था। तो ये है वो, भाई ढक्कन क्यों खुल रहा, पूरा तो निकल जा, ये रहा प्राइमर। सो ये देखिए ये वाला, तो प्राइमर शायद थोड़ा सा लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर मैं लेती हूँ, ये तो उधर दीवार पे चले गया, सॉरी मुझे नहीं आता अच्छे से, तो कर रही हूँ। ये देखिए, ये आ गया मेरे हाथ पे प्राइमर। सो ये देखिए, ऐसे ही लेते हैं ना, सो इसको अप्लाई करते हैं फेस पे, ऐसे। सो मैंने बहुत बार मतलब वीडियोस में देखा, मैं घर पे क्रीम लगाती हूँ तो ऐसे 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 करके, पर वीडियोस में बोला जाता है कि हमेशा कोई भी चीज़ लगाओ तो डैब डैब करके लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रीम को बहुत ज़्यादा घस के लगाओगे तो वो स्किन के अंदर घुस जाता है और उसे वो बबल्स टाइप के फेस पे छोटे छोटे से मतलब होते हैं ना, तो वैसे टाइप में हो जाते हैं, तो इसी पिम्पल उस सब से निकल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसे भी ट्राई करते हैं। सो ये देखिए, सो मैंने अपना प्राइमर सेट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, राइट? सो कहाँ गया मेरा मॉइस्चराइज़र? तो मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा था, ये छोटा वाला पॉन्स का जो होता है ना, मतलब विंटर क्रीम, तो वही वाला मिला, तो इसी में वो भी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो काम चला लेते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा निकला, और इसको हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। सो इसको लेते हैं ऐसे, और इसको भी लगाते हैं ऐसे 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 ऐसे, कैसे लगाते हैं, एक दिन तो जरूर सीख के रहूंगी खुद से। सो ये देखिए, ऑलमोस्ट ये भी हो चुका है, अब हंसता मत प्लीज। ये देखो, वो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, यस, मॉइस्चराइजर जो है वो सेट हो चुका है। और इसके बाद आता है क्या, यस, आँखों के लिए करते हैं, राइट? कंसीलर। सो कंसीलर कहाँ है मेरा, ये रहा। सो ये जो कंसीलर है, ये वाला मैंने दुकान से लिया, तो इसका प्राइस मुझे 150 के पास में पड़ा, हाँ 149, तो 150 ही हुआ। तो चलिए इसको भी अप्लाई कर दे। तो ये वाला मैंने जो स्टिक वाला होता है वो लिया, लिक्विड वाला मुझे उस दिन मिला नहीं, सो मैंने ये लिया। तो ये देखिए कैसा है। सो मुझे ये पता नहीं था कि फेस का जो शेड होता है, जो कलर होता है, उसके मतलब हिसाब से लिया जाता है। सो मुझे जो मिला मैं वैसे ही उठा के लेके चली आई, बट बाद में मुझे ये पता चला कि फेस के कलर के हिसाब से मतलब लिया जाता है। सो मैं थोड़ा सा और सामने आ जाती हूँ आपके, ताकि आप क्लीन से अच्छे से देख पाओ। ओके, सो ये देखिए, सो ये है कंसीलर, इसको ऐसे लगाते हैं, राइट, आँखों के किनार में ऐसे, और इसको
ऐसे इधर ऐसे 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 राइट, ऐसे लगाते हैं ना, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ बस। इसको ऐसे और इसको ऐसे। सो यहाँ पे मोबाइल में अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट मेरे बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं, आँख पूरे काले हो चुके हैं रात को जल्दी ना सोने की वजह से, इसलिए मम्मी डांटती है। सो इसीलिए, बट मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद और बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद पता चला कि जो लिक्विड मतलब कि कंसीलर होता है वो ज़्यादा बेटर होता है स्टिक वाले से। बट मुझे लगता है कि अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि मुझे दोनों में से कोई नहीं आता, तो कोई भी सीखने से हुआ। सो इसको इसको क्या बोलते हैं, ब्लेंडर, यस ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं। मुझे एक्चुअल में ब्लेंड करना नहीं आता, बट मैं सीख लूँगी आप सबके लिए, राइट। सो ये देखिए, तो ये ब्लेंडर जो है, ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले बोलते हैं कि इसको पहले पानी में भिगो के और उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ देना चाहिए, तो ये सॉफ्ट हो जाता है और इससे मतलब ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है। हुआ क्या? आई थिंक हो गया, राइट। यस, सो हमारा जो कंसीलर है वो यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है। टना, ये देखो, सो ये हो गया ब्लेंड। और इसके बाद क्या करते हैं, आई मेकअप। सो मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैं पहले फाउंडेशन कर लूँ, उसके बाद आई मेकअप करूँगी। ओके, सो फाउंडेशन जो है ये फिट मी फाउंडेशन, मुझे ये भी जो मीशो से मैंने जो लिया था ना, एक साथ सबसे सस्ता वाला मेकअप प्रोडक्ट्स उसमें मिला था, बट ये वाला मुझे कुछ खास लगा नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। ये देखो आप कैसा है, ये मेरे फेस के साथ जाएगा ही नहीं। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो इसका कलर नॉर्मल कैसा वाइट वाइट टाइप में लग रहा है, डार्कनेस नाम का चीज़ ही नहीं है, स्मेल भी नहीं है यार, छी कितना गंदा दिया है उन लोगों ने। सो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम। ओके, सो मैं यूजुअली इसको कहीं जाती हूँ ना, तो मतलब नॉर्मली यही लगा के जाती हूँ बाहर निकलती हूँ, तो चलिए इसी को लगाते हैं। ओके, सो इसको लेते हैं यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा और उसके बाद इसको फेस पे करते हैं ब्लेंड। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको करते हैं ब्लेंड। कहाँ गया मेरा ब्लेंडर, ये रहा। सो ये रहा ब्लेंडर, चलिए इसको ब्लेंड करते हैं ऐसे लेके ऐसे। सॉरी मैंने कंसीलर की जगह पे लगा लिया, ऐसे करते हैं ना, और भी लेना पड़ेगा। उंगलियों से ऐसे लगाएं, चलिए इसको ब्लेंड करते हैं। सो ये देखिए, आई थिंक मेरा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुका है। अब मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसे देखा कि मतलब कि फाउंडेशन लेके ऐसे 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 लगाया और उसको मतलब ब्लेंड करते और पूरे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आई थिंक वो लोग प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा करते इसलिए हो जाता है, बट मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे वैसे थोड़ी आता है, तो मुझे जैसे आता है वैसे कर रही हूँ, सीख जाऊँगी धीरे धीरे। सो ये देखिए हमारा जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुका है अच्छे से, आई थिंक ये देखो तो राइट। सो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन हो चुका है और इसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, आई मेकअप, ये रहा। सो ये सॉरी ये हाइलाइटर है, आई मेकअप क्या की, ये देखिए ये रहा। सो ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था जो कि पैक था, उसमें ये दो आई शेडोज मिले थे, तो यहाँ पे न्यूड है और ये है मतलब कि ऐसा, तो चलिए इसको भी लगाते हैं और देखने कैसा है। तो इसके लिए यहाँ पे ये रहे सारे ब्रशेस दिए हुए हैं, सो चलिए इसको इससे अप्लाई करते हैं। सो ब्रश की जगह आई थिंक मैं फिंगर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि सिंपल सा ही मुझे करना है, उतना ये नहीं करना, तो उसके लिए मैं ये रहा मेरा फिंगर, नहीं ब्रश से ही करते हैं। ओके, सो ये रहा मेरा सारा ब्रश, ये देखो। सो ये भी मैंने मीशो से परचेज किया, सो इसका मुझे 300 एंड समथिंग था या फिर 300 था ऐसे ही कुछ था। तो इसमें सारे मतलब ब्रशेस हैं मेकअप के, बस इसमें जो पाउडर ब्लेंड करने वाला होता है वही ब्रश इस पर नहीं है, बाकी सारा ब्रश है। ओके, तो चलिए इसमें से एक निकालते और देखते। अरे यार मेरा एक ब्रश
ये रहा, ये निकल गया यहाँ पे हाइलाइटर लगाने वाला, और मैं खोद रही हूँ इसमें। सो इसमें से लेते हैं हम ये वाला, ये देखो मुझे नहीं पता बट मुझे इसी से कंफर्ट लगता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ओके सो चलिए लगाते हैं इससे आई शेडो। ये रहा आई शेडो, इसमें देखो कौन कौन सा। अबे यार इसका तो ये निकल के नीचे गिर गया, दूसरा वाला लेती हूँ मैं। ये रहा, सो ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मिला था, दो दो है इसमें ऐसे मिले। सो इसमें से हम लेते हैं पहले थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं, राइट। तो हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला, ये देखो देखा आपने ये वाला, और इसे करते हैं इसे इसे। इसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, डिफरेंस आ रहे क्या थोड़े से, एकदम थोड़े से। तो मैं लाइट कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि क्योंकि आता तो है नहीं, हैवी कर लूँगी तो और भूतनी जैसी दिखूँगी। सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, ऐसे भी मुझे आता नहीं है तो रिस्क ले लूँगी फिर मेरा बैंड बच जाएगा। सो होता नहीं है आई वेंट टू द वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट वाला, सो मेरा वही हाल हो जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे जो बेस होता है वो लग चुका है, और इसके बाद लगाते हैं थोड़ा सा डार्क कलर, राइट। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला, देखा आपने। सो इसको लेते हैं ऐसे और इसको अप्लाई करते हैं आँखों के साइड में। सो ये वाला दिख रहा है, राइट। तो एक हो गया, अब दूसरे आंख में। ये भी डन हुआ कि नहीं पता नहीं, मुझे तो लग रहा है हो गया, आप देख के बताओ। तो आप बताना कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे गलती की, मुझे आती नहीं है बट मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। ओके आई थिंक इधर ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, तो इसको मिलाऊँ कैसे मैं। यार भूतनी लग रही हूँ मैं, सो ये देखिए हो गया। सो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है जब ऐसे लगाते हैं तो इस साइड पे जो है ना यहाँ पे ग्लिटरी टाइप में, मतलब कि ग्लेज करता है ना हाइलाइटर टाइप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ हाइलाइटर लेके और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा मार लेती हूँ। सो ये हो गया मेरा आई शेडो, थोड़ा सा लगाया मैंने, अब मैं लगाती हूँ हाइलाइटर। ओके कहाँ गया मेरा हाइलाइटर आजा। सो मेकअप का सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट थिंग यही है हाइलाइटर। सो ये देखिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ। सो ये वाला मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने मार्केट से जाके लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे मतलब हाइलाइटर आप लोगे ना तो उस पर क्या बोलते हैं रिटर्न पॉलिसी नहीं रहता है, आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, अगर सारा पैलेट टूटा हुआ आ जाएगा तो फिर मैं लेके क्या करूँगी। सो इसीलिए मैंने नहीं लिया। सो ये चलिए ये रहा हाइलाइटर, और यहाँ से इसको मैं पूछ लेती हूँ थोड़ा सा, और हम लोग अप्लाई करते हैं ये वाला। ओके सो यहाँ से हम इसको ऐसे निकालेंगे और आँखों के इस साइड पर ऐसे करके हल्का सा लगाएंगे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। सो इसीलिए मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, मेकअप में सबसे बेस्ट हाइलाइटर। इधर भी लगाते हैं, इतना लेजी हूँ ना मैं, मतलब इतना धीरे धीरे कर रही हूँ कि मेरा वीडियो इतना बड़ा होते जा रहा है और आप लोग भी आई थिंक बोर हो रहे होगे मेरे साथ। मिला कि नहीं,
चलेगा। हो गया ना, तो अब मैं लगाती हूँ आईलाइनर। ओके, सो मैं ज़्यादा हैवी करूँगी नहीं, ये कॉन्टोर वॉन्टोर मेरे बस का नहीं है क्योंकि मुझे अच्छे से आता नहीं है। सो आज के लिए सिंपल ही रखते हैं। अब लगाती हूँ मैं आईलाइनर। यार मोबाइल में देख के लगाना बहुत रिस्की होता है। ओ भाई साहब, तो ये देखिए मेरा आईलाइनर डन, देखा आपने। तो आईलाइनर भी मेरा सूख चुका है। यार इसमें देख के मैं सकी नहीं रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, जो भी हो छोड़िए इसको, बस मेरे फेस को देखिए। तो ये देखिए आईलाइनर हो चुका है। और इसके बाद लगाते हैं ब्लशर, जो कि मेरे पास ब्लशर है नहीं, तो मैं क्या करूँगी अभी, मैं आपको क्या बताऊँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। यस, सो ये पिंक कलर का लिपस्टिक है और इसको ही मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करूँगी। सो ये निकला यहाँ पे थोड़ा सा सा, और इधर भी निकल जा। और इसको मैं करती हूँ ब्लेंड। वेयर आर यू ब्लेंडर, ये रहा। सो ये हो गया। अब करते हैं फेस को हाईलाइट। सो माय फेवरेट पार्ट इज हियर। चलिए इसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइटर के लिए मैं ब्रश ब्रश क्या निकालूँ, मैं हाथ से ही करती हूँ। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे लगा के। यार जब हाईलाइटर लग जाता है ना फेस पे, कसम से मस्त ग्लो आता है। ग्लो मतलब फेस जो लाइट करता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं कहीं जाऊँ ना तो और कुछ नहीं लेकिन हाईलाइटर, क्योंकि मुझे मेकअप करना तो आता नहीं है और मैं भूतनी बन के तो कहीं जाना चाहूँगी नहीं खुद से, और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है मतलब कि जाके पार्लर में और रेडी होने जाऊँ। इसलिए मैं हाईलाइटर ज़रूर लगा लेती हूँ। और इसके नाक के ऊपर मैं ऐसे राइट यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। सो हो गया ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। सो हो गया हाइलाइटर। और अब करते लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे जो पिंक वाला लिया था, ये मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं, मेरे फेस पे लाइट कलर सूट ही नहीं करता। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा नहीं लग रहा ना। ये देखो, आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा ये कलर। मैं लगाती हूँ दूसरा ये। उसको मैंने निकाला नहीं, इसी के ऊपर से लगा दिया ताकि ज़्यादा ये डार्क ना दिखे। ये देखिए ये अच्छा दिख रहा है। ये था मेरा सिंपल सा भोंदू सा मेकअप। और इसके साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ लगाना चाहूँगी, ये छोटा सा प्यारा सा बिंदी। और एक चीज तो रह ही गया, वो था मस्कारा।
ये देखिए मेरा फाइनल लुक हो गया मेकअप। सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, ये या फिर ये। ओके